हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्ञान श्याला। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। ये पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसको हम इजी वे में ले लेते हैं कि हाँ इससे तो कुछ नहीं होता है, इसको क्या पढ़ना, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप किसी भी लेबोरेटरी में काम करेंगे या आप कहीं भी काम करते हैं तो आपको BT CT निकालना आना चाहिए और ये बहुत ही एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम BT और CT को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इनको कैसे टेस्ट करते हैं और कौन कौन से वेरियस मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम BT और CT को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि कई कई जगह पर इसकी एक्यूरेट नॉलेज नहीं दी गई है, एग्जैक्टली मेथड को नहीं समझाया गया है, बट इन दिस वीडियो आई ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट वे हाउ टू कैलकुलेट द BT एंड CT। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगेगा। सो लेट्स बिगिन। ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम सिंपली मीन्स द टाइम रिकॉर्डेड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ स्मॉल स्किन इंजरी विदाउट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लीडिंग टाइम का मतलब होता है सिंपली वो टाइम कितनी देर में ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, क्लॉट के बिना। अब जैसे हम फिंगर प्रिक करते हैं, ठीक है, प्रिक किया, थोड़ी देर तक ब्लड निकलता है, देन बंद हो जाता है। वहाँ कोई क्लॉट तो बाहर बनता नहीं है, दिखता नहीं है। हाँ, वो अंदर जो वो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन नॉर्मली जो हमारा ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो गया ना, तो दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई है यहाँ पे, दैट ब्लीडिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लेटलेट्स। यानी कि ब्लीडिंग टाइम जो है वो प्लेटलेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझते हैं इस बात को। इट मीन्स अगर आपके प्लेटलेट्स बढ़ रही हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट है, तो आपका ब्लीडिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स जो हैं, सेल जो हैं हमारी ब्लड की, वो ब्लीडिंग टाइम को यानी कि ब्लीडिंग को रोकती हैं। अगर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कम हो जाएंगी तो हमारा ब्लीडिंग टाइम यानी कि ब्लड जो है वो बहुत देर तक इंजरी से निकलेगा। ठीक है, तो ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लेटलेट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ ब्लीडिंग टाइम, तो आप सिंपली ये बता दें कि ब्लीडिंग टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लेटलेट के, तो मोर देन सफिशिएंट आपका आंसर हो जाता है और इंसान को पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है। क्योंकि इस पॉइंट से आप ये भी बता रहे हो कि ब्लीडिंग टाइम क्या है और आप ये भी बता रहे हो कि हाउ एंड विच सेल कंट्रोल्स द ब्लीडिंग टाइम। मूव ऑन टू द नॉर्मल रेंज। सो नॉर्मल रेंज जो है ब्लीडिंग टाइम की वो 2 to 4 minutes है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि नॉर्मल रेंज जो होती हैं किसी भी टेस्ट की वो वेरी करती हैं, बुक टू बुक, कंटेंट टू कंटेंट वेरी करती हैं। यहाँ पर जो है वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से मैंने लिया है, तो 2 to 4 minutes नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है। नाउ व्हाट इज़ क्लॉटिंग टाइम। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लड टू फॉर्म अ क्लॉट, यानी कि ब्लड को क्लॉट फॉर्म करने में जो टाइम लगता है दैट इज़ क्लॉटिंग टाइम। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम जो रेंज है वो 4 to 11 minutes है, वेरी करेगा, 5 to 10 भी हो जाएगा या कहीं कहीं 6 to 12 minutes भी मिल जाएगा। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि ब्लीडिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि जब भी कहीं पे कोई भी चोट लगती है, सो हाउ द ब्लीडिंग मैकेनिज्म वर्क, है ना, सेल्स कैसे काम करती हैं। एक्चुअली में ये जो मैंने आपको लिख रखा है ये मुझे थ्रू एरो मुझे समझाना चाहिए था, बट मैं ये एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, सो आई जस्ट डू इट इन सिंपल वे। वैसे भी इतना क्या वो फ़र्क पड़ता है, मेन तो आपको समझ में आना चाहिए ना जो मैंने समझाने की कोशिश की है। सो पहला पॉइंट है इसमें कि इंजरी टू वेसल, यानी कि कोई भी वेसल है हमारी, कोई भी बॉडी का पार्ट है जहाँ पर डैमेज हुआ है, जहाँ की वेसल डैमेज हुई है, तो डैमेज होने के बाद क्या होता है कि उसकी जो वेसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसके बाद एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट जो होती हैं वो अडहेयर करती हैं उस सर्फेस पर, आके ज्वाइन करती हैं। प्लेटलेट के ज्वाइन होने के बाद ही क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड देन क्लॉट बन जाता है, एंड क्लॉट बनने के बाद ब्लीडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। दैट्स द सिंपल प्रोसेस। प्रॉब्लम कहाँ आती है? आइदर ब्लीडिंग होती जा रही है, रुक नहीं रही है, आइदर क्लॉट ही नहीं बन रहा है, यानी कि ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो रही है, ब्लड आपका स्टॉप नहीं कर रहा, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है या डिलेड क्लॉटिंग हो रही है, प्रॉब्लम तब आती है। तो क्या है कि इफ़ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, अगर ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो था मेरा जिसमें मैंने मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझाया था, वहाँ पे मैंने बहुत सारे मेडिकल के टर्म्स को आपको डिफाइन किया था कि जो यूज्ड हो जाते हैं, वहीं एक्सप्लेन किया वो वीडियो का ये टर्म है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है दे कैन गो थ्रू देयर एंड रीड इट आउट।
यहाँ पे बता दूँ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है कि प्लेटलेट्स की कमी होना, ठीक है। अगर आपका ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है हाई अप टू 4 मिनट, ठीक है, अब 4 मिनट, तो इसका मतलब है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, यानी कि प्लेटलेट्स की बॉडी में कमी हो चुकी है। या वॉल वाइल्ड ब्रांड डिजीज़, ये एक डिजीज़ होती है, या इनएडिक्वेट वेसल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर आपकी जो वेसल्स हैं इंजर्ड प्लेस की, उनमें वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा प्रॉपरली, क्योंकि जब वेसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तभी प्लेटलेट्स वहाँ पे आके अडहेयर करती हैं। तो अगर ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन्स कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, वॉन वाइल्ड ब्रांड डिजीज़ हो सकती है, या इनएडिक्वेट वेसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। वहीं अगर प्रोलॉन्ग्ड सीटी, क्लॉटिंग टाइम जो हमारा 4 से 11 मिनट है, और अगर ये टाइम पीरियड 11-12 से ऊपर या 13 से ऊपर जा रहा है, यानी कि क्लॉटिंग बहुत देर में हो रही है, तो इसका मतलब है कि ए फिब्रोजिनेमिया है, यानी कि फिब्रिनोजेन जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी कमी है, एब्सेंस है बॉडी में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन क्या है, हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, तो बॉडी में हेपेरिन का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से कि क्लॉटिंग जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो रही है। या DIC, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, बहुत सारे लोगों को DIC नहीं पता होगा क्या होता है। एक्चुअली में DIC में क्या होता है कि बॉडी में हमारे ब्लड में छोटे छोटे क्लॉट्स बनने लगते हैं, हाँ पूरी बॉडी में क्लॉट्स बनने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है DIC में। और DIC जो है वो आपका ब्लीडिंग टाइम एज वेल एज क्लॉटिंग टाइम दोनों में ही अफेक्ट करता है, ठीक है। नाउ तो ये पढ़ा हमने, पहले मैकेनिज्म पढ़ा किस तरीके से काम कर, देखो ब्लीडिंग मैकेनिज्म कब कौन सा फैक्टर आके काम कर रहा है, ये अगर आप पढ़ते हैं वेल एंड गुड, लेकिन ये जिस टॉपिक पे, जिस कोर्स से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है उसमें इतना डीप नहीं बताते हैं और ना ही इतना इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप एक्सप्लोर करने को तो आप कुछ भी पढ़िए, इट्स गुड फॉर यू, बट मैंने उस वीडियो में इतना ही कंटेंट डाला है इसमें जो कि नीडेड है, ठीक है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी द हाउ द कोगुलेशन चार्ट एंड हाउ द क्लॉटिंग फैक्टर्स वर्क, आई विल मेक आउट द वीडियो ऑन इट, बट राइट नाउ वी कैन गो थ्रू इट ओनली। उसके बाद हमने केसेस बताए कि कब BT बढ़ सकता है, कब CT बढ़ सकता है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड द क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स पता होना चाहिए, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स में जैसे BSc नर्सिंग हो गया या GNM के एग्जाम्स होते हैं, LT में ऑब्वियसली पूछ ही लेते हैं, तो वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में पूछ लेते हैं। सो वंस आई विल रीड इट आउट, फैक्टर 1 फिब्रिनोजन, 2 प्रोथ्रोम्बिन, 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 लेबाइल और प्रो एक्सेलरिन, फैक्टर 6 जो है वो होता नहीं है, फैक्टर 7 इज स्टेबल और टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टूवर्ड फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 12 हेगमन फैक्टर एंड फैक्टर 13 इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये सारे कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो कि बॉडी में एट अ टाइम ऑफ ब्लीडिंग ये काम करते हैं और हमारी बॉडी को एक्सेसिव ब्लीडिंग से बचाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या मेथडोलॉजी ली गई हैं ब्लीडिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड है वो है ड्यूक मेथड। तो ड्यूक मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल और कॉमन मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, एक लैंसलेट इज़ लाइक अ ब्लेड, ठीक है। लैंसलेट से ईयर लोब पे हम कट करते हैं, 3 to 4 mm का कट होता है और उसके बाद वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है। जब वो ब्लड निकलना स्टार्ट होता है उसके बाद एवरी 30 seconds वी यूज़ द वॉट्समैन फिल्टर पेपर नंबर 2 और उसमें हम ब्लॉट उसको ब्लड को ब्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जितनी देर तक वो आफ्टर 30 seconds जितने ड्रॉप ऑफ ब्लड जो हैं उस फिल्टर पर आएंगे उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सपोज़ आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे करते हैं कैलकुलेट। जैसे कि मान लीजिए आपका ब्लड जो है वो 5 drops ब्लड का निकला, ठीक है, तो 5 into हम 30 कर देंगे क्योंकि आफ्टर 30 seconds हमें ब्लॉट करना है। कितना हो जाएगा, 5 3 से 15, 150, राइट, दिस इज़ 150 seconds, ठीक है। अब हमें क्या करना, हमारा जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो तो मिनट में होता है ना, 2 से 4 मिनट। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट में, सो जस्ट डिवाइडेड बाय 60 से आप डिवाइड करेंगे, सो देन 5 and 3 5 is 15, 3 2 is 6, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो ब्लीडिंग टाइम आएगा वो 2 minutes and I think 30 seconds, राइट। सो इस तरीके से आप ब्लीडिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ टाइम्स जो ब्लड की डॉट्स अपेयर हुए हैं इन टू 30 एंड देन मल्टी
एंड देन डिवाइडेड बाई 60 फॉर कन्वर्जन। तो इस तरीके से आप, ये है करेक्ट मेथड कि कैसे आप ब्लीडिंग टाइम निकालते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। फिर से रिवाइज करा दूँ, लैंसलेट से ईयर को हम, ईयर लोब को कट करते हैं, फ्री फ्लो ब्लड होता है, उसको हम फिल्टर पेपर में एवरी 30 सेकेंड्स ब्लॉट करते हैं। ब्लॉट करने के बाद जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा ब्लड आता है उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा एक्यूरेट ब्लीडिंग टाइम आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यूक मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा आईवी मेथड है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, हर कोई इस मेथड को नहीं कर पाता है। ठीक है, हाँ एक और चीज़, मैंने इस वीडियो में आपको ये मेथड्स के आगे इनको अच्छे से लिख के दिखाया नहीं है, जस्ट बिकॉज दोस्तों प्लीज़ कलम उठाओ और लिखो, लिख कर अगर आप याद करते हो या लिख कर पढ़ते हो ना, वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लिखें इसको ताकि आपको जल्दी याद हो। लिखने को तो मैं भी टाइप करके आपको दे सकती थी, लेकिन आप जितनी ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को और उतनी ध्यान से लिखेंगे तो आई थिंक आपको जल्दी याद होगा। इट्स फॉर यू गाइज, आपके लिए है। नेक्स्ट, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट आईवी मेथड। आईवी मेथड जो है, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी डिफिकल्ट मेथड होता है, नॉट एवरी वन कैन डू इट। इसमें क्या होता है कि हम राइट हैंड के ऊपर साइड, ठीक है, जहाँ पे हमारी रेडियो वलना होती हैं, आई होप आपको बोन्स पता ही होंगी बॉडी की, सॉरी मैं कन्फ्यूज हो गई, एक्चुअली मैं ह्यूमरस, ऊपर ह्यूमरस होती है, नीचे रेडियो वलना होती है एल्बो के नीचे। तो ऊपर आप फोर आर्म्स पे हम क्या करते हैं, स्फैगोमैनो, वो बीपी मशीन, ठीक है, स्फैगोमैनोमीटर लेते हैं, उसके कफ को हम टाइटली बंद करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटीक्यूबाइटल वेन के पास हम 10 mm लॉन्ग और 1 mm डीप कट करेंगे। ठीक है, और जो हम अपना स्फैगोमैनोमीटर है उसको हम 40 mm Hg पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम वहाँ पर कट लगाएंगे 1 mm डीप एंड 10 mm लॉन्ग, और उसके बाद वहाँ से ब्लड को निकलने देंगे। तो ये इसीलिए टफ है क्योंकि जो मैनुअल मेथड है ना हमारा स्फैगोमैनोमीटर का, वो हर कोई इजीली सेट नहीं कर पाता है, उसके लिए काफ़ी थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टफ है। बाइंड करेंगे और कट मारने के बाद अब हम वहाँ से ब्लड जो निकल रहा है उसको ब्लॉट करना स्टार्ट करेंगे, और जितने नंबर ऑफ टाइम्स जो मेथड मैंने आपको ऊपर बताया है, आईवी मेथड जो मेथड आपको ऊपर बताया था मैंने ब्लीडिंग टाइम का, सेम मेथड आप अप्लाई करेंगे और आपका क्लॉटिंग टाइम जो है वो आ जाएगा। डिफरेंस इतना है कि ड्यूक मेथड में आप ईयर लोब को कट कर रहे थे, यहाँ पर आपको एंटीक्यूबाइटल वेन के पास कट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग टाइम की। सो क्लॉटिंग टाइम का जो पहला मेथड है वो है ली वाइट मेथड। चलो इससे पहले हम बात करते हैं अपने सेकेंड मेथड की, जो कि है कैपिलरी मेथड। कैपिलरी मेथड जो है एक बहुत ही सिंपल मेथड, एक पतली सी कैपिलरी, फाइन कैपिलरी ट्यूब होती है, 9 mm इन लेंथ होती है वो, शायद आपको इमेज में दिख जाएगा। उसमें क्या करते हैं, हम फिंगर प्रिक करते हैं, एंड ऑब्वियसली हम रिंग फिंगर को प्रिक करते हैं। ठीक है, प्रिक करने के बाद फ्री फ्लो ब्लड जो होता है वो अपने आप से, जैसे ही हम कैपिलरी को लगाएंगे फिंगर के पास, वो ब्लड जो है सक होने लगेगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर। ब्लड आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें क्लॉटिंग टाइम निकालना है। ठीक है, अगर इसी जगह है, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, बेसिकली लेबोरेटरीज में होता क्या है, मैं अपने टाइम पे भी बता रही हूँ, जो ड्यूक मेथड था ना उसमें हम लोग ईयर लोब को कट नहीं करते थे, हम फिंगर प्रिक से ही करते थे, मेथड सेम होता था। तो वही मैं बता रही हूँ कि जो ड्यूक मेथड है सेम कैपिलरी मेथड भी है कि हम फिंगर प्रिक से करके निकाल सकते हैं। तो ड्यूक मेथड में आप ईयर लोब से कर लो या फिंगर प्रिक से कर लो, नो मैटर्स, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो ड्यूक मेथड ईयर लोब का ही है, फिंगर वाला नहीं है। ठीक है, फिंगर जो है वो क्लॉटिंग टाइम के लिए होता है, हम वहाँ से ब्लड को कैपिलरी में कलेक्ट करेंगे और क्लॉटिंग टाइम देखना है, यानी क्लॉट कितनी देर में बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उस ट्यूब को हम हॉरिजेंटली मूव करेंगे, उसका ब्लड जो है उसके अंदर वो मूव करेगा, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, लाइक 1 मिनट 2 मिनट्स के बाद हम उस कैपिलरी ट्यूब को, जैसे ही वो उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा, हमें लगेगा कि वो मूव नहीं कर रहा है, जम रहा है, तो अब हम उसको ब्रेक करेंगे। जब तोड़ेंगे तो अगर उसमें फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिब्रिन की दिख रही है, ठीक है, इट मीन्स कि वो ब्लड जो है वो क्लॉट हो गया है। तो इस तरीके से हम क्लॉटिंग टाइम को निकालते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है कैपिलरी मेथड। अब हम बात करते हैं ली वाइट मेथड की। सो इस मेथड में क्या होता है, ली वाइट मेथड में, कि हम सिंपली 3 mL ब्लड निकालते हैं। ठीक है, उस 3 mL ब्लड को हम वाटर बाथ, जिसका टेम्परेचर हम 37 डिग्री सेल्सियस सेट करते हैं, और उस वाटर बाथ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, और उसमें हम जो हमने 3 mL ब्लड निकाला है उस ब्लड को 1 mL ब्लड हम एक एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड में डालकर स्ट्रेट बिल्कुल
हम उस वाटर बाथ में रख देंगे जिसका टेम्परेचर जो है हमने 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा है। अब क्या होगा, उसको हम उसमें छोड़ देंगे तीनों टेस्ट ट्यूब को स्ट्रेट पोजीशन में, बिल्कुल वर्टिकल। आफ्टर 20 to 25 मिनट्स, ठीक है, हम एक एक करके टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके देखेंगे 90 डिग्री, ठीक, देखेंगे क्या कि अगर उसमें क्लॉट जम गया है तो वो हमें दिखने लगेगा, और अगर नहीं जमा होगा तो ब्लड जो है वो मूव करेगा। बस ये सिंपल सा मेथड है, आपको करना क्या है कि एक वाटर बाथ में तीन टेस्ट ट्यूब को रखना है वर्टिकली, और 20 से 25 मिनट के बाद उनको टिल्ट करके देखना है कि वो उसमें क्लॉट जमा है कि नहीं जमा, और कुछ भी नहीं करना होता है इस लीवाइट मेथड में। एक क्वेश्चन और आएगा कि हम तीन टेस्ट ट्यूब क्यों लेते हैं। हम तीन टेस्ट ट्यूब इसलिए लेते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट है। अगर हम एक लेते हैं, सपोज जो भी टाइम पीरियड है हमें नोट कर लिया, हम कैसे माने कि वो हमारा एक्यूरेट है, लेकिन जब हम तीन लगाएंगे करस्पोंडेंस में तो जितना एक का आएगा ऑलमोस्ट उतना दूसरे का आएगा, ऑलमोस्ट उतना तीसरे का आएगा, है ना। तो इसलिए हम तीन जो है वो टेस्ट ट्यूब लेकर इस टेस्ट को करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, समझ में आया होगा, और बहुत ही सिंपल तरीके हैं करने के। अच्छे से आप इनको लिखिए, पढ़िए, जो इमेजेस हैं उनको अच्छे से देख के समझिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।